हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक पैटर्न लेके आई हूँ। ये फ्रेंड्स लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, गर्ल्स के टॉप पे, गर्ल्स के स्वेटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन फ्रेंड्स, एकदम 3D लुक देता है और उल्टी तरफ से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसे लॉन्ग स्वेटर पे भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिज़ाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को अपना फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय करें। फ्रेंड्स, फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और एकदम न्यू डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदों स्टिचेस में डिज़ाइन बना है हमारा। तो ये वाले जो स्टिच हमने 5-5 रखे हैं, ये देखिए, ये जो 5-5 स्टिच मैंने रखे हैं, ये सारे स्टिच हमारे डिस्टेंस के लिए हैं। इनको आप कम ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डिज़ाइन मेन हमारा यही है, 7 फंदों का, और बाकी ये फंदे हमने डिस्टेंस के लिए रखे हैं। तो इसी तरह आप कैलकुलेट करके अपने डबल क्रोशिया कर लीजिए, तो डिज़ाइन आपका एकदम सेट आ जाएगा। आप जितने भी फंदे चाहें उसी उतने ही रखिए तो डिज़ाइन सेट होगा। ये 7-7 फंदे डिज़ाइन के हैं बीच में। ये मैंने एक बेसिक रो तैयार कर ली है, तो इसी पे आपको डिजाइन बनाना बता देती हूँ। दो चेन कर लेंगे और यहाँ हम डिस्टेंस के लिए रख रहे हैं 5-5 फंदे, तो यहाँ मैं 5 फंदे रख लूंगी। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एक चेन करेंगे, 1, 2, 3, 3 छोड़ेंगे और चौथे में आ जाएंगे। और देखिए, इस तरह से एक बार बुनेंगे, फिर दोबारा क्रोशिया हुक पे हमने धागा रैप किया है, फिर सेम पोस्ट पे जाएंगे, एक बार फिर से बुनेंगे, फिर धागा क्रोशिया हुक पे रैप करेंगे, तो एक बार फिर से बुनेंगे। इसी तरह से हमने 5 स्टिच बनाने हैं यहाँ पे। ये देखिए, 4 स्टिच हो गए और ये 5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्रोशिया हुक पे आपको 6 स्टिच नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अब सबको एक साथ हमने बना लेना है इस तरह से, और यहाँ ऐसे लॉक कर लेना है। इसके बाद 1, 2, 3 चेन बना लेनी है, फिर सेम इसी तरह से बनाएंगे हम यहीं पे, सेम पोस्ट पे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 5 बना लिए, और सबको एक साथ बना लेना है और यहाँ इस तरह से लॉक कर लेना है। उसके बाद एक चेन बना लेनी है, यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ने हैं, तो यहाँ आ जाना है, 1, 2, 3, 4, 5।
दोनों साइड में हमारे 5-5 डबल क्रोशिया हैं, ये डिस्टेंस के लिए हैं, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बीच में हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, तो उन्हें भी हमने डिज़ाइन बनाया है। तो लीजिए आगे हैं नेक्स्ट रो पे, तो यहाँ पर हमने 2 चेन करके तो ये 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। पहले 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो क्या करेंगे, इस स्टिच को हमने ऐसे करके यहाँ छोड़ देना है और क्रोशिया हुक हमने यहाँ से ऐसे यहाँ से इसको पकड़ के हमने ये देखिए इस तरह बनाना है। अब यहाँ एक लॉक कर देना है, एक चेन बना, एक स्टिच लगा के स्लिप स्टिच से। इसके बाद 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और अब ये बना लेते हैं हम 5 स्टिच जो हमने साइड में रखे हुए हैं। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, नेक्स्ट रो पे देखिए क्या करना है, 2 चेन और एज इट इज ये 5 स्टिच बना लेने हैं हमने। अब देखिए यहाँ एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया हुक पे धागे को रैप करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ जाएंगे, ये हमें होल दिखाई दे रहा है और इधर से ऐसे एक बार बनाएंगे, 2, 3, 4 और 5, 5 बार बना लिया। अब सबको एक साथ बना लेंगे, लॉक कर लेंगे, 1, 2, 3 चेन बना लेंगे और फिर सेम पोस्ट पे इसी तरह से 5 स्टिच और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और सभी को एक साथ बना लेंगे और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और 5 स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।